नमस्कार, स्वागत है आपका ममता की इस थालिका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी कटलेट बाइट्स, जो कि आप उठा के भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, 10 डेज तक आप सेव करके रख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से, और बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए, सबकी किचन में होता है। इतने में हम आपके बहुत ही हेल्दी और कटलेट बाइट्स बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इतना ही प्यार दीजिए। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मेरे को इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, देखिए मेरे को 1 कप सूजी चाहिए। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें थोड़ी बहुत ही गंदगी होती है या मोटी होती है वो निकल जाए। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है। और बाकी मेरे को जो ड्राई मसाले चाहिए तो वो देख लीजिए, मुझे 1 स्पून चाहिए सॉल्ट, अदरक छोटा छोटा काट के, ग्रीन चिली, और ये मैंने 3 पोटैटो उबाल के मैश करके रखे हैं। 3 पोटैटो मैंने बॉईल करके मैश करके रखे हैं। अब ये देखिए, मैंने चिली फ्लेक्स और कश्मीरी मिर्च ली है, मैंने चाट मसाला लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है, मैंने ये जीरा भून के रोस्ट करके और उसे क्रश कर लिया है, ठीक है। तो और ये मेरे पास किचन किंग मसाला है, ये किचन किंग मसाला है। तो अब बस हम इतने छोटे कम इंग्रेडिएंट के साथ ये अपनी कटलेट बाइट्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना, चलिए। देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है, 1 टीस्पून ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत हेल्दी कटलेट बाइट्स बना रहे हैं। और ये मैंने थोड़ी सी मटर ली है, आप इसकी जगह कोई और वेजी भी ले सकते हैं। तो मटर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। ये नहीं, पूरी पूरी गैस पे मैंने फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी ये मटर अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इनको ये जो पाव भाजी का मैशर होता है उससे हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मटर को क्रश कर लिया है, बहुत अच्छे से मटर क्रश हो गई है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने सूजी जितनी ली थी उससे थोड़ा सा कम, 1 कप मेरी सूजी थी, मैं उससे थोड़ा सा कम वाटर ले रही हूँ। ये देखिए अब वाटर में अच्छे से बॉयल आने देंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, ये देखिए पानी में बॉयल आना दिखाई दे रहा है, ये पानी में अच्छे से बॉयल आ गया। अब हम ये जो सूजी है इसको इसमें डालेंगे, पूरी सूजी को, और अच्छे से स्टर करते रहेंगे। ये देखिए ये देखिए उपमा में हम डबल पानी लेते हैं, इसमें हमने जितनी सूजी है उतना ही पानी लिया है, और ये मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने रखती हूँ थोड़ा सा। देखिए ये मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जो मैंने सूजी पानी गर्म पानी में बॉईल करी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये सॉल्ट ऐड कर देना है, ये अदरक ऐड कर देना है, ये हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है, और ये मैंने जो 3 बड़े पोटैटो लिए थे ये बॉईल करके इसमें अच्छे से, अब बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैंने इसमें जो सूजी अच्छे से भून के ली थी गर्म पानी में, उसे भूननी नहीं, सिर्फ आपको गर्म पानी में सूजी को मैश करना है, उसका कच्चापन निकालना है। और इसमें अब मैं मसाले डालूंगी। देखिए पहले मैंने ये किचन किंग मसाला अपना सारा डाल दिया, ये मैंने चाट मसाला डाल दिया, और सच मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं ये कटलेट बाइट्स। ये देखिए मैंने ये डाल दिया धनिया पाउडर, और मैंने ये देखिए चिली फ्लेक्स और कश्मीरी मिर्च दोनों डाली है, और ये मैंने जीरा भून के लिया था, ये मैंने जीरा डाल दिया। बस बहुत ज़्यादा मसाले भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन्हें अच्छे से मैश, देखिए मैंने इसको ट्रे में थोड़ा सा ऑयल डाल के लगा लिया था,
और इसको इसमें जमा दिया अच्छे से। देखिए ये ना आप पहले से भी बना के रख सकते हैं, किसी ने आना है, हेल्दी है, बच्चों को दीजिए। ये देखिए, यदि आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप कोई भी प्लेन कटोरी लीजिए, उसके बैक से उसको प्लेन कर दीजिए। और अब मैं इसको रखूंगी एटलीस्ट फॉर 1 आवर इन फ्रिज, नॉट इन फ्रीजर, फ्रिज। चलिए तो अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में 1 घंटे के लिए, और फिर 1 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए मेरे ये देखिए मेरे कटलेट बाइट है, ये देखिए कटलेट बाइट मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख दिए थे, फ्रीजर में नहीं रखे थे। अब हम इसे कट लगा लेते हैं। देखिए मैं हमेशा स्नैक्स बनाते समय ध्यान रखती हूँ कि कंप्लीट मील भी मिल जाए सबको। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं इसे रेक्टेंगल काट रही हूँ। अभी आपने मेरे जिंगी पार्सल देखे हैं, क्रेप्स देखे हैं, और एक इसका सबसे अच्छा फायदा है कि आप इनको ऐसे ही बना के, ये देखिए वाह, देखिए कितने अच्छे बाइट्स तैयार हुए हैं मेरे कटलेट बाइट्स, और बहुत हेल्दी भी हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब आप इसको बेक भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और आप इनको थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो और इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे लीजिए, जिप फॉइल में रैप करिए और 10 डेज के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, और जब आपको यूज करना है तो आप निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपको एक मैं शैलो फ्राई करके दिखाती हूँ थोड़े से। देखिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ऑयल डाल के हम इसे बहुत हेल्दी बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने बहुत हल्का सा ऑयल लगाया इस पे, और अब हम अपने इनको बाइट्स को, कटलेट बाइट्स को अब हम मीडियम आंच पे, ये आप इसे बटर में भी कर सकते हैं, और आप इसे चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल में कर रही हूँ, थोड़ा आज मैंने हल्दी वर्जन बनाया है। मैं भी इतने सारे अभी तो यूज नहीं करूंगी, इसलिए इन्हें जिप फॉइल में करके रख देंगे। 10 डेज तक कोई आ जाए, आप इसे 10 दिन तक बना के रखिए। ये देखिए हम बहुत ही कम ऑयल में इनको हम ऐसे फ्राई कर रहे हैं। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप ये देखिए एक साइड से कितने अच्छे हो गए हैं, वाह लुकिंग सो यम। ये देखिए, ये देखिए सो टेस्टी। कोई आपके घर अचानक आ जाए उसे पता भी नहीं चलेगा कितने अच्छे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम दूसरी तरफ से करते हैं। ये देखिए वाह, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, और देखिए कितने कम ऑयल में और कितने अच्छे, और अभी से देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ रहा है। देखिए बस रेडी, चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं फटाफट। ये देखिए अब मैंने 5 अच्छे से शैलो फ्राई कर लिए, और इनको मैं उठा के जिप लॉक में लॉक करके, आपने मकिन की चीज़ें खाई है ना, टिक्की आती है, मकिन के पोटैटो फिंगर्स आते हैं, नट्स आते हैं, तो वो ऐसे ही तो होते हैं। बस अब इनको मैं उठा के फ्रीजर में रख दूंगी, और 10 डेज तक आप आराम से 10 डेज तक इसको कभी भी फ्रीजर से निकालिए, डीप फ्राई कीजिए और या फ्राई कीजिए। आपको यदि बेक करने हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए आप बेक कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसे लॉक कर दिया है जिप लॉक को, या आप एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। देखिए अब इसको मैं उठा के फ्रीजर में रखती हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे, कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये देखिए मैं अब आपको टेस्ट भी चेक कराती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितने क्रिस्प हैं। ये देखिए
साउंड आप सुन पा रहे हैं, ये देखिए कितने क्रिस्प है, ये देखिए। मैं स्नैक्स बनाते समय ये भी ध्यान रखती हूँ, कि हेल्दी भी हो और सारी हमें वेजिटेबल्स भी मिल जाएं, बच्चे अच्छे से खा भी पाए। आपने देखा वेज जिंगी पार्सल मेरे, उसमें आपको ब्रेड भी मिली है, सारी वेजिटेबल्स भी मिली है। इसी तरह से आपने क्रेप्स भी देखे होंगे मेरे, नहीं देखे तो मैं इसी के नीचे उनके लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए, बहुत हेल्दी स्नैक्स है, वो भी कंप्लीट मील भी है। और ये वाले आप बना के रखिए, अपने फ्रीजर में रखिए 10 डेज तक, कोई आ जाए अचानक से आप तैयार करिए और इमिडिएटली दे दीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपको, एक ये पहले आप टेस्ट करके बताइए, खाइए बनाइए, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, नमस्कार।